वेलकम बैक टू द सेकेंड पार्ट ऑफ लेक्चर 33, जिसमें हमने फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पार्ट वन में डिस्कस किया था थियरी के फॉर्म में. अभी कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर रहे हैं. बिफोर डिस्कसिंग द मेन न्यूमेरिकल्स ऑफ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, एक छोटा सा सेगमेंट डिस्कस कर रहे हैं जो मे बी एमसीक्यू में यूज कर सकते हैं. लेट्स सी हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट वन मोल ऑफ एल्यूमिनियम आयन टू एल्यूमिनियम मेटल. How much charge is required? मतलब अगर मुझे एक मोल एल्यूमिनियम आयन को एक मोल एल्यूमिनियम में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ी तो कितना चार्ज चाहिए. वेट अ मिनट, Three electrons means required amount of charge is three farad. जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होंगे दैट मच ऑफ फेराडे वी नीड टू कन्वर्ट वन मोल ऑफ एल्यूमिनियम आयन टू एल्यूमिनियम. एंड दैट्स व्हाई इट इज 3 × 96,500 कूलम. यू नो दैट वन फेराडे मींस 96,500 कूलम. सो मल्टीप्लाई दिस एंड यू विल गेट योर फाइनल आंसर. सिमिलरली फॉर कॉपर आयन टू कन्वर्ट इनटू कॉपर व्हाट यू नीड Cu2+ + 2 electron फॉर कन्वर्टिंग इनटू द Cu. Now, it indicates that how many farads you need, 2 farads for 1 mole. That means 2 into 96,500 is required charge to convert 1 mole of copper ion to 1 mole of copper metal. So, 1 mole of MnO4- to Mn2+. MnO4- mein Mn to oxidation state nikalo. Mn to oxidation state, 11th standard, redox, oxygen to oxidation state, minus 2, 4 2s are. -8 इक्वल टू क्यों सेट जाएगा तो +8 ऑलरेडी -1 चार्ज है -1 + 8 +7. सो MnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 और प्रोडक्ट में +2 है. द डिफरेंस बिटवीन +7 + 2 इज +5. दैट मींस वी नीड 5 इलेक्ट्रॉन्स. इफ 5 इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड दैट मींस रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ चार्ज इज 5 फैराडे. 5 फैराडे इज 5 × 96,500 एंड दैट्स योर फाइनल आंसर. इसको कंप्लीट कर सकते हैं. आगे बढ़ते हैं. To convert 2 moles of H2O to O2. Now H2O decomposes to produce H2 plus half of O2. Now in this reaction, O2 minus by losing 2 electrons produces half molecule of O2, 2 electrons. So out of this we can reach the conclusion that we need 2 electrons for 1 mole of H2O to convert into O2. 1 mole of H2O को O2 में convert करने के लिए कितने electrons चाहिए? 2 electrons. 2 electrons भी नहीं. Now, it indicates that 1 mole needs 2 farade. How many moles we are having? 2 moles of water, then we need 4 farade. So, it is 4 × 96,500 is the answer. For conversion of 1 mole of FeO to Fe2O3, FeO to Fe2O3, FeO के अंदर Fe का oxidation state +2 है, in Fe2O3 it is +3. Difference of 1 per atom, that means for 1 mole you need 1 farad, means 1 × 96,500. So it is 96,500 coulomb, the charge that we need to convert 1 mole of FeO to Fe2O3. Copy these 2 questions and then we'll move to the main questions related to the Faraday's law of electrolysis. ये छोटा सा version था, MCQ के लिए पूछ सकते हैं. इसके अलावा जो main questions है उसमें भी इसका इस्तेमाल होगा. इसलिए ये सिखाया है कि भाई कितना charge required रहता है for the particular substance. तो वो depend करता है
उसके केमिकल इक्विवेलेंस पर, मतलब उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज हो रहा है उस पर वो डिपेंड करता है। कॉपी करो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चंस के लिए। मेरे ख्याल से आपने इसको कॉपी कर लिया है दोनों छोटे छोटे क्वेश्चंस को। स्टे ट्यून्ड फॉर द थर्ड पार्ट, मेन न्यूमेरिकल्स ऑफ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस।